दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपने रजिस्ट्रेशन काफ़ी समय पहले करवा दिया है, लेकिन आपकी जो किस्त है अभी तक आपके खाते में नहीं आ रही है। आपने कई बार ई मित्रों के चक्कर काट लिए हैं, आपने तहसील के चक्कर भी काट दिए हैं, लेकिन आपके खाते में अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें जमा नहीं हो रही है। आपका जो फॉर्म है वो अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा है, वो रिजेक्ट कर दिया गया है और नया आवेदन भी आप कहीं से नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी शिकायत ऑनलाइन किस तरीके से और कहाँ से करवाई जा सकती है, ताकि आपका समाधान है जो कि घर बैठे हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से करूंगा निवेदन कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है सीपी ग्राम की, इसको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से साइन इन होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर जो बटन है साइन इन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या से आपको यूज़र से लॉगिन होना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप खुद से यहाँ से लॉगिन होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको साइन अप पहले करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू साइन अप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करके आप इस फॉर्म में जो भी फॉर्मेट दिया गया पूरे भर के आप यहां से सबमिट करके अपना एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र किस तरीके से क्रिएट करना है अगर आप चाहें, तो इसका फुल वीडियो है जो कि मैं बना के अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप चाहें तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक CSC ID से किस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यहाँ पर अन्य और भी किसी कई सर्विस हैं जिसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे जो CSC के वीले भाई हैं वो यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। तो आप अगर यूज़र अपना नहीं बनाना चाहते हो, आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके अपनी शिकायत है जो कि दर्ज करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ से CSC वीले के द्वारा डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर CSC वीले की आईडी लगेगी, उसके बाद उनका पासवर्ड लगेगा और आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम हमारे CSC ID से लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं CSC वीले का नाम है जो कि आ सकता है। तो अब आपको शिकायत दर्ज करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस वाला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीवेंस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरीके की लिखिए। उसके बाद दोस्तों, नीचे यहाँ पर जो आई एग्री वाला ऑप्शन है, ये इसको चेक मार्क पे आपको क्लिक कर देना है, इसको टिक कर देना है। इसको टिक कर देने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले कुछ डिपार्टमेंट है जो कि हाईलाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड का है, पोस्ट ऑफिस का है, टेलीकॉम का है, आप देख सकते हो होम एफोर्ड है वगैरह, इस तरीके के ये डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर अदर और की कुछ डिपार्टमेंट आपको देखने हैं, तो मोर वाला जो ऑप्शन नीचे है, मोर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी डिपार्टमेंट्स की आप है जो कि अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, सॉरी,
तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट मेन कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें से आपको एक मेन कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ कैटेगरियाँ यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पीएम किसान रिलेटेड इशू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सब कैटेगरी चयन करनी होगी, दूसरी कैटेगरी के पीएम किसान निधि की योजना के अंदर आपको क्या शिकायत करनी है, तो इसके लिए भी आपको कैटेगरी यहाँ पर चयन करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी हैं जो कि आपके सामने इस तरीके के शो हो जाएगी, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं नॉन रिसीप्ट ऑफ पीएम किसान इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपका पैसा है जो कि खाते में नहीं आ रहा है, तो भी आप ये पहले वाला ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी रिसीव रॉन्ग डॉक्यूमेंट चेंज अकाउंट नंबर वगैरह, तो इसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट अगर गलत हो चुके हैं इसमें कुछ करेक्शन आप करना चाहते हैं तो भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा टू अपडेट बैंक अकाउंट ऑन पोर्टल, तो इसमें आप अपना खाता भी अपडेट करवा सकते हैं। बेनिफिशियरी टू ऑल मेंबर ऑफ फैमिली, उसके बाद अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट, नॉन रिसीव फीडबैक फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके के जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से अगर आपकी पेमेंट नहीं आ रही थी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है स्टॉपेज इन द इंस्टॉलमेंट ऑफर आफ्टर यूज़ ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी 5 किस्तें आपको मिली है, उसके बाद अगर आपकी किस्त नहीं मिल रही है तो आप ये वाला ऑप्शन है कि चेंज करेंगे, और अदरवाइज आपको कभी नहीं मिल रही है तो आप ये पहले वाला जो नॉन रिसीव पीएम किसान इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कि आपको हमें कोई भी पीएम किसान की किस्त नहीं मिली है। उसके बाद आपकी जो भी शिकायत है वो आपको यहाँ पर टाइप करके लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप हिंदी में इंग्लिश में किसी पर भी आप टाइप करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी लेटर पे शिकायत लिखते हैं तो उसकी पीडीएफ फाइल है जो कि आप स्कैनिंग करवा के यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अटैच रिलेटिव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपके जैसे कि इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगाना है कि आपकी जो भी स्टेटस है वो आपको सीएससी के अंदर पर जाकर चेक करवा देना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रिंटआउट निकाल दें, और उसके बाद आपका आधार कार्ड है उसकी टू कॉपी निकाल के उस पर साइन करके आप वो स्कैनिंग करके, उसके साथ ही आप अगर कुछ एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो आपको एक पेज पे सादा पेज पे आपकी जो भी शिकायत है वो आपको लिखवा देनी है। उसके बाद उसकी स्कैनिंग करके यहाँ पर चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। ये अपलोड कर देने के बाद चलिए दोस्तों अब मैं अब आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अभी इसको कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो भी शिकायत है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है, लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अभी कुछ भी लगा देता हूँ क्योंकि मैं अभी प्रॉपर शिकायत दर्ज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी ये लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे अटैच डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि अटैच हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद ये फॉर्म है जो कि आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो यहाँ डालने हैं, और डेट है तो यहाँ आपको डाल देनी है, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी शिकायत करता है उसका नाम डालेंगे, फिर यहाँ से मेल फीमेल जो भी जेंडर उसका सिलेक्ट करेंगे, और फिर दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, फिर उनका एड्रेस यहाँ डाल देना है, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये इतने डालने के बाद ये कैप्चा कोड है जो कि यहाँ डाल के आप मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो सीएससी आईडी से इसमें 50 रुपये का टोकन है जो कि कटेगा सीएससी से, उसके बाद है जो कि आपकी शिकायत है दर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और इसका जो जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।